ऐसा कौन सा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं होता? जंगल का बादशाह मतलब ये जो सारे बादशाह बने हुए ये नहीं बादशाह कहाँ औरत बादशाह कहाँ से हो गई? मोहल्ले की लड़ाइयाँ देखी बस ठीक हो गया। अगर मैंने बता दिया ये ना कहना मैं बादशाह हूँ तो मेरा कोई महल नहीं। ये क्या लगाया हुआ है? ये टाई का क्लिपर है ताकि टाई हवा में उड़ ना जाए। जर परस्ती हयात हो जाए, इससे बेहतर वफात हो जाए, फिर मैं दुनिया में घूम सकता हूँ, दिल अगर नजात हो जाए। ए कैस लैला से बात कर, ऐन मुमकिन है कि बात हो जाए। ओ खान पीछे खान दे दीवाने, किने मारे गए ओ कई ताबुज दिल बन के डर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अमारा खान, सबके दिलों की जान, और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए सवाल के साथ। और सवाल बड़ा ही कोई दिलचस्प सा है, और सवाल कुछ ऐसा है कि वो कौन सा दुनिया में ऐसा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं होता? महल तो वैसे सबके होते हैं, लेकिन वो एक ऐसा बादशाह है जिसका सच में कोई महल नहीं हो सकता। और अगर आपको भी इस सवाल का जवाब आता है तो लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है? फाइका। क्या करती हैं आप? मैं भी बस ऐसे ही घूमती फिरती रहती हूँ, मेरी तरह है, पागलों की तरह। अच्छा, घूमने फिरने के अलावा क्या करती हैं? घूमने फिरने के अलावा काम करती हूँ वैसे तो, और खाना खा लेती हूँ। खाना वो नज़र आ भी रहा है। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? माँ बाप का दिमाग खाने के अलावा क्या खाती? वो नहीं मैं खाती, वो तो मुझे बोलते हैं खाती ही नहीं हो तू। इतनी मासूम हो, इतनी अच्छी हो कि घर वालों का दिमाग खाती नहीं हो। हाँ ऐसे ही है, वैसे तंग बड़ा बचपन में बड़ा तंग थे मुझसे, अब आके जरा मैं थोड़ी सी रिजर्व हो गई हूँ, मैच्योर हो गई हूँ, अपने पाँव पे खड़ी हो गई, इसलिए घर वालों का मुँह ही नहीं लगा। खाने में क्या पसंद है जो इतना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है, इसमें क्या आपने ऐड किया है खुद से? मुझे खाने में हर चीज़ पसंद है, हर चीज़ खा लेती हूँ मैं, इसीलिए ऐसी। मेरा सवाल आपसे आज का ये है कि ऐसा कौन सा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं होता? ये ना कहना कि मैं बादशाह हूँ तो मेरा कोई महल नहीं होगा। नहीं, मैं बादशाह कैसे हो सकती हूँ, जेंडर तो नहीं चेंज करूँगी। हाँ, क्वीन है आप तो। बिल्कुल। आम 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 कैसे आम कैसे मतलब कुछ भी आम भी तो बादशाह ही है ना, फलों का बादशाह। इसी तरह एक और चीज़ भी है, वो भी एक बादशाह है और उसका कोई महल नहीं है। मतलब कोई थोड़ा सा हिंट देना क्या चीज़? जैसे आपने बोला अभी आम फलों का बादशाह है, वैसे ही एक और ऐसी चीज़ है जो उस चीज़ की जो है वो बादशाह है लेकिन उसका कोई महल नहीं है। फिर अल्लाह ताला ही होंगे। थोड़ा सोचे ना, कुछ बताएं मुझे भी। मतलब आप मुझे ये बताएं ना कि कोई चीज़ है वही तो। हाँ, अच्छी खासी नज़र आती है। जंगल का बादशाह मतलब ये जो सारे बादशाह बने हुए ये नहीं मुझे क्या पता ये सारे जो बादशाह बने हुए ये नज़र आते हैं, इनके भी महल होते ही हैं। किस किस बादशाह का नाम आता है आपको? स्पेन के बादशाह का, पाकिस्तान का बादशाह कौन है? नहीं, पाकिस्तान का बादशाह नहीं है, इमरान खान। ठीक है, इमरान खान से मोहब्बत नज़र आ रही है, उसको बादशाह बना दिया। वैसे वो पाकिस्तान के बादशाह तो आएंगे, लेकिन कौन सा ऐसा बादशाह जिसको कोई महल नहीं आता? जैसे आपने बोला अभी फल हो गया, ठीक है, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? इतना प्यारा हंसती हैं, इसी स्माइल की वजह से आप थोड़ा सा बता दें, हैं हमें जवाब दे दें। नहीं पता ही नहीं चल रहा। स्माइल के साथ थोड़ा अच्छा सा जवाब दे दें, क्यों नहीं पता चल रहा? मतलब अगर मैं कहूँ कि आप अगर कहें ना फलों का बादशाह कौन सा है, जानवरों का बादशाह, जंगल का बादशाह कौन सा है, तो करीब करीब आ गई हुई हैं आप, पहुँच गई हैं। अच्छा, शेर ही है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ठीक है, क्या ठीक? शेर। सवाल है बड़े दिनों से मैं आई ये सारी लड़कियों से पूछना चाह रही हूँ कि लड़कियों के लिए कौन सा ऐसा दिन बनाया गया जिस दिन वो शॉपिंग नहीं करती? इसमें भी हंसी आ रही है, लतीफा तो नहीं? मैं अपनी बात करूँ तो मैं हर दिन शॉपिंग करती हूँ। Oh, no. ना पैसा आ गया है? नहीं, कुछ भी लेना हो, पैसा हो ना हो, विंडो शॉपिंग भी मैं कर लेती हूँ। विंडो शॉपिंग तो मस्ट है, यहाँ पे खड़े खड़े होके सारे विंडो शॉपिंग करते रहो। कोई ऐसा मतलब आप कह रही है मैं रोज़ करती हूँ, कोई एक दिन तो होगा ना जिस दिन बंदा यार कहता है अच्छा नहीं ठीक है ये दिन नहीं है हमारे लिए शॉपिंग के लिए? रात हो सकती है जब सोना हो तब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक, बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, खैरियत है? हाँ खैर। इस गल की खुशी है? खुशियाँ चढ़िया हुई। मैंने भी दस्तों, मैं भी खुश होना। महीने बाद घर से निकली हूँ ना। Oh, no. घर वालों ने बंद किया बात? नहीं, अल्लाह माफ करे। फिर क्यों निकली महीने बाद? दिल नहीं ना किया, गर्मी बहुत लगती है।
गर्मी अभी भी है, अभी भी ना निकल, अभी सूरज सोने चला गया ना, चला गया। हाँ अभी आज का मौसम थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा क्या नाम है और क्या करती है? मेरा नाम नूर है, मैं खुद एक एंकर हूँ। ये माशाल्लाह, मतलब एक एंकर ही एंकर से जवाब। अच्छा ठीक है, वही कह रहे हैं। कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? एक साल। दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसका महल नहीं होता? दुनिया का वो कौन सा बादशाह है जिसका महल नहीं होता? औरत बादशाह कहाँ? औरत बादशाह कहाँ से हो गई? अपनी जिंदगी की बादशाह ही होती है। औरत एक क्वीन है। हाँ आप भी क्वीन है, पर वो कहते हैं ना जब मर्द ना हो साथ में बादशाह भी बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा कोई क्यों मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। उसको आपने देखा भी हुआ है? ठीक है, लेकिन दूर दूर से देखा हुआ है? दूर दूर से ना, सिर्फ मोहल्ले की लड़ाइयाँ देखी हुई। बस ठीक हो गया। मोहल्ले की लड़ाइयों में कितना साथ दिया आपने? कुछ भी नहीं दिया। पुपियाँ लड़ाई, पुपियों वाला काम करती है या बस ठीक है दूर दूर से देखी? अरे पुपियों का नाम नहीं ले। क्यों यार? पुपिया लगती है। हाँ तो और क्या, पुपियाँ वो चीज़ है लड़ाई में आग लगा के, नहीं घर में आग लगा के। इन्नी को गाल कितनी सी है, अभी नाराज हो गई है। आग पता नहीं कितनी लागी है। ऐसे ही है। कौन सा बादशाह जरा पॉइंट पे आए। आम भी बादशाह ही है। आम भी बादशाह, ठीक है। सवाल के आप जवाब के आप करीब करीब आ गई हैं। जैसे आम फलों का बादशाह, वैसे एक वही चीज़ है जो उस चीज़ का बादशाह है। यार कोई तो बता दो। हंसी जा रही है तो प्यारा सा, कोई तो बता दो यार। पूछ ले, भाई हैं आपके साथ? नहीं भाई नहीं है वो। क्या है? फिर क्या है? ये बातें नहीं बताई। Oh, no. यार कुछ बताओ, हिंट बताओ। जैसे आपने भी बताया ना फल का बादशाह, ठीक है। वैसे ये किस जिसने भी बताया ना अल्लाह उसे पूछेगा। सही है। कैसे शेर? कैसे? क्योंकि शेर जंगल का बादशाह होता है। सर्कस में आके लादा बात है, जोकर बन जाता है। और हमारे मुल्क में आके भी जोकर बन गया। दुनिया में कौन सा ऐसा बादशाह है जिसको कोई महल नहीं होता? अगर मैंने बता दिया अब ये ना कहना मैं बादशाह हूँ तो मेरा कोई महल नहीं। अगर मैंने बताया, मेरी पहले बात हुई थी, अगर मैंने आज सवाल का जवाब दे दिया, आप और आपके कैमरामैन और आपकी टीम आज पिज्जा खिलाने वाली है। ताश के पत्तों में बादशाह होता है उसका कोई महल नहीं। रेडी करो भाई, उसका बना होता है ताश के पत्तों में। ना ना ना, अब सवाल का जवाब है और ये हमारे मेरे साथ तो बात ही नहीं हुई पिज्जा की। अब आप दोनों ये मेरे साथ हुई नहीं बात, यकीन करें। ये बहुत लोगों को यहाँ पे जो अगर कोई सवाल का जवाब देते, पहले कहते हैं आप लोगों को पिज्जा खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, अभी दोनों मुकर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा हमने कभी भी नहीं छोड़ा। हमने कभी भी नहीं किया कि हम लोगों को कहें भाई हम तो जवाब देंगे तो पिज्जा खिलावेंगे। अपने आप ही देते हैं। यहाँ पे खड़े होने से पहले हमारी क्या बात हुई थी? हमारी तो बात नहीं। ये क्या लगाया हुआ है? ये टाई का क्लिपर है ताकि टाई हवा में उड़ ना जाए। तो आपको भी कोई क्लिपर लगाना चाहिए ताकि आप भी उड़ना जाए। जिस चीज की आपसे मैं काफी एक्स्ट्रा चीजें डालता हूँ ताकि हवा तेज है ना, तो फिर मैं कहीं घूम। आज भी कुछ हवा का रुख जो है वो मुझे लग रहा है तेज है। ये पकड़ी हुई है ना ताकि जो है ना बैलेंस रहे जो मेरा वेट है। मुझे लगा आप बड़े कोई शायराना अंदाज से आपने जो डायरी पकड़ी हुई है, शायर लिखे होंगे, शेर लिखे होंगे। शायर हैं आप? नहीं शायर नहीं हूँ, हाथ साथी शायर आप कह सकते हैं। अच्छा हाँ सही हो गया। तो इस तो हाथ साथी शायर बन जाऊंगा। हाँ ठीक है बन जाए, बन के दिखाए। चले बता देते हैं, कुछ सुनाएं कोई शेर। किसी बेवफा को डेडिकेट करूंगा। किसी बेवफा को? ठीक है। किसी बेवफा को वो कहते हैं कि तल्लक तोड़ता हूँ तो मुकम्मल तोड़ देता हूँ, तल्लक तोड़ता हूँ तो मुकम्मल तोड़ देता हूँ, जिसे मैं छोड़ देता हूँ मुकम्मल छोड़ देता हूँ। मोहब्बत हो या नफरत हो बरा रहता हूँ शिद्दत से, जिधर से आए दरिया उधर ही मोड़ देता हूँ। यकीन रखता नहीं किसी कच्चे ताल्लुक पे, यकीन रखता नहीं किसी कच्चे ताल्लुक पे, जो धागा टूटने वाला हो उसे मैं खुद ही तोड़ देता हूँ। आप खुद ही तोड़ देते हैं, वाह वाह वाह। ये शायरी आप खुद भी करते हैं, ये वैसे ही पसंद है? लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो वैसे भी कुछ भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इस डायरी में क्या लिखा हुआ है? ये मेरी पर्सनल डायरी, इसमें मैं डेली बेस पे अपनी चीज़ें लिखता हूँ। जो डेली बेस पे मैं आता जाता हूँ तो मैं कुछ नई चीज़ देखता हूँ तो उसको मैं इस पे नोट करता हूँ। ओके, बड़े असूल पसंद लगते हैं मुझे आपके, कुछ भी नया चीज़ दे। अच्छा जो नई चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे आपने देखा है, मैं एक नई चीज़ हूँ आपके लिए, इस डायरी में लिखेंगे?
नहीं आपका नहीं मैं लिखूंगा वैसे। क्या लिखेंगे? आज मैं एक हसीन लड़की को देखा। ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? इसमें कोई मुश्किल है? क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि नई चीज मैं देखता हूँ, तो मैं एक नई चीज हूँ, प्यारी भी हूँ, तो कुछ तो दिखे ना। पुरानी? हाँ पुरानी हूँ, सब लोग ही हैं, तो आप ही लोग ही हैं ना। हाँ, लेकिन आपने वो बोला ना नई चीज देखता हूँ। नई चीज आप ये कह सकते हैं कि रास्ते में आप चलते हैं। अभी संडे की बात, मैंने एक नई चीज देखी, मैंने उसको नोट किया। क्या देखा? मैंने ये देखा, एक मेहरान गाड़ी वाला जो है ना वो जा रहा था, और उसके पीछे एक लैंड क्रूजर वाला जा रहा था। अच्छा। अब मैंने देखा जब मेहरान गाड़ी वाला रुका है ना, तो बार बार से वो ना इशारा लगा हुआ था। अच्छा। वो बार बार से हॉर्न दिए जा रहा है, हॉर्न वाला, ठीक है, मेहरान वाला। और उसके पीछे आगे रुका है लैंड क्रूजर वाला। अब वो चुपचाप खड़ा हुआ है। तो वहाँ से मैंने एक पॉइंट नोट किया, मेहरान वाले नु केड़ी काली है। नहीं नहीं नहीं, मैंने वहाँ पे ये पॉइंट नोट किया। मेरे उस्ताद भी अक्सर बताते थे कि जो बंदा जिस लेवल पे है ना, वो अपनी बर्दाश्त की वजह से है, उसके अंदर सब्र कितना है, उसके अंदर हौसला कितना है। तो मैंने वहाँ से ये सीखा कि अगर उसके पास अभी तक मेहरान है ना, तो इसका मतलब उसके पास सब्र भी उतना है, हौसला भी इतना है। और जिसके पास लैंड क्रूजर है V8 है, जिसके पास, उसके पास सब्र भी V8 वाला है। V8 वाला है, बिल्कुल। चला कि जो इंसान जितना लाइफ में ऊपर जाता है, उसके अंदर उतना ज्यादा सब्र होता है। तो वो चीज फिर मैंने डायरी पे लिखी। बड़ी अच्छी चीज आप लिखते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि सवाल मेरा आपसे ये है कि वो दुनिया में कौन सा ऐसा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं होता? कौन सा ऐसा बादशाह है जिसका महल नहीं होता? वो आप कोई दिल का बादशाह कह सकते हैं? कोई भी आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, जो आपकी लाइफ लाइन होती है, उसको कह सकते हैं आप कि ये मेरा बादशाह, मेरा किंग है। लेकिन उसका महल दिल में तो बना ही होता है ना लोगों ने, वो क्या के लिए? ये अलग बात के तमीर हो नहीं पाते, वरना हर दिल में ताज महल जरूर होते हैं। क्या बात है, ये आपने तो बोलती बंदी कर दी है। मतलब ठीक है, सवाल आपका जवाब थोड़ा सा ठीक है, और शेर भी आपने उसके रिलेटेड सुना दिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँचे आप उस जवाब तक। जी जी, मतलब नहीं पहुँचे। ऐसा बादशाह है जिसका कोई महल, जिसका महल ही कोई नहीं है? अच्छा, वो उस्ताद होता है। अच्छा। उस्ताद बादशाह होता नहीं, लेकिन बादशाह बना देता है। अच्छा सा आखिरी शेर, एक शेर सुना। हाँ, शेर चलें। वो कहते हैं कि जर परस्ती हयात हो जाए, इससे बेहतर वफात हो जाए। जर परस्ती हयात हो जाए, इससे बेहतर वफात हो जाए। फिर मैं दुनिया में घूम सकता हूँ, दिल अगर नजात हो जाए। बुत शकन क्या बिगाड़ सकता है, दिल अगर सोमनाथ हो जाए। एक देवी की आंख ऐसे लगी जैसे मंदिर में रात हो जाए। तो कैस लैला से बात तो कर, ऐ कैस लैला से बात तो कर, ऐन मुमकिन है कि बात हो जाए। खान साहब के लिए गाने गा के बैठी हुई आवाज़, कुछ हमें भी सुना दें। नाम क्या है आपका? मुदस्सिर खान साहब के बड़े फ़ैन लगते हैं आप, मुझे लगता है काफ़ी डाई हार्ड फ़ैन हैं उनके। बस ऐसा ही समझ रहे, ऐसे ही समझ रहे। तो कुछ हमें भी सुनाएं उनके लिए जो आपने गाने खुद लिखे हैं। हाँ जी, मैम जी, हमें भी सुना दें ज़रा, हमारे भी दिल को ठंडक पहुँचाएँ जो आपके आपने बोल लिखे हैं उनके लिए। ओ खाने आ जा कोम दे कोल, कोम ने रोल वजना, ओ कोम ने रोल वजना, ओ खान पीछे खान दे दीवाने किने मारे गए, ओ कई ताबूज दिल बन के डर गए, ओ साडे खान नू इंजना रोल, कोम ने भी रोल वजना, होया जा खाना साडे कोल, कौम ने रोल वजना, ओ कौम ने रोल वजना, ओ कैदी नाले जुल्म दी हद बड़ी हो गई, ओ लगदा है मैनू सारी कौम ही सो गई, ओ इस कैदी दे हक लई बोल, कौम ने रोल वजना, होया जा खाना साडे कोल, कौम ने रोल वजना। वाह वाह, ये आपने खुद लिखा है? जी आपने खुद लिखा है? जी मैंने। कितना अरसा लगा इस गाने को लिखते हुए? घंटा डेढ़ लगा। इतनी जल्दी आ जाते हैं आपके लिए दिमाग में ये अल्फाज? खान साहब की मोहब्बत दिल में रख के बंदा कुछ भी कर सकता है, ये गाने ठीक हो गया। तो आपने कभी अपने मोहब्बत के लिए कुछ लिखा है खान साहब के अलावा? खुद से मोहब्बत करता हूँ तो खान साहब से करता हूँ ना, पहले खुद से फिर खान साहब। खुद के लिए कुछ लिखा? खुद के लिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड है उसको, उसने मुझे धोखा दिया, उस पे लिखा है। उसका भी सुना दे जरा। नीक तेरी अख कानी
ओ दूजा लम्या दंदा ने दिल साड़िया नीक तेरी अख कानी ओ एक तेरी अखे कानी कजला तू फिर भी पावे पाटे होए बुलानू तू सुरखी दे नाल लुकावे मुँह तेरा चावे वरगा मुँह तेरा चावे वरगा बालां चो तिल्ला निकले नसे तू इंजे जीवे छाड़ी चो बिल्ला निकले उमर जन तेरे जम नाले उमर जन तेरे जम नाले ओ जिन्ना तेरे जई सूली उत्ते चाड़े आनीक तेरी अख कानी ओ मेकअप करके ऐना नी तू ओ मेकअप करके ऐना नी तू एक महीने दा खर्चा उजाड़े आनीक तेरी अख कानी। लीडर के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? लीडर के यही पैगाम, आवाम बाहर निकले, लीडर को बाहर निकाले, क्या ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ, कोई बाहर नहीं निकालते, आ ही निकालते हैं, पहले बाहर आने लगे थे अच्छे भले, फिर नए केस डाल के उनको अंदर कर दिया। क्यों करते हैं इस तरह के काम, है कुछ इतनी ज़्यादा नफरत है या वैसे डर के बैठे हुए हैं ये लोग उनसे, खान साहब से? नफरत, जब ये बाहर आएगा किसी को जीने नहीं देगा, इसलिए ये करते हैं, ये डर के बैठे हैं। कोई नारा कोई खान साहब के नाम पे आपने बनाया हो, एक गाने तो आपने बना लिए, कोई नारा जैसे? दो बोल मैं सुनाऊंगा। हाँ जी जी सुना दे सुना। ओ खानू लीडर मन बंदे दा पुत्र बन बंदे दा पुत्र बन। मैं जो भी गाना लिखता हूँ खान साहब को दरमियान, खान साहब को दरमियान में उनको मद्देनजर रखते हुए फिर आप गाना लिखते हैं, ठीक है। इस गाने पे भी खान साहब का जिक्र है जो अभी आप हमें सुनाएंगे, खान साहब का ही तो जिक्र है और जी सुनाए सुनाए। और जब कोई बिजली से सताएगा और फिर सभी को खान याद आएगा, और जब आवाम को बिल ज्यादा आएगा फिर तुम्ही को खान याद आएगा, ओ नई हकूमतों से आशना होकर पानी बिजली गैस जब ना आएगा फिर तुम्हें एक शख्स याद आएगा, और फिर तुम्हें खान याद आएगा, और जब ये मुल्क उजड़ जाएगा और फिर तुम्हें खान याद आएगा।